तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारी दोस्तों, मैं हाफिज़ रिजवान रज़ा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इस वजीफ़े को ज़रूर करें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपकी हर नेक व जायज़ हाजत पूरी होगी, आपकी हर नेक व जायज़ मुराद इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी, आपकी हर नेक व जायज़ दुआ कबूल होगी इस वजीफ़े की बरकत से। प्यारी दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम आपको वजीफ़ा करने का तरीक़ा बताएंगे और आपका वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह इसी वीडियो में हो जाएगा और वीडियो के आखिर में आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी दुआ भी की जाएगी। हज़ारों अल्लाह के बंदे इस दुआ में शामिल रहेंगे, आमीन कहेंगे, तो आप भी इस दुआ में ज़रूर शामिल रहिए। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी हर नेक व जायज़ दुआ भी इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी, आपकी हर नेक व जायज़ मुराद इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। तो पूरे भरोसे के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा करने का तरीक़ा हम आपको बता रहे हैं, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हजरात अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच आती रहें। प्यारी दोस्तों, आइए जानते हैं इस वजीफे को करने का तरीक़ा। उससे पहले वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए वजीफ़ा करने का तरीक़ा जानते हैं, समझते हैं। प्यारी दोस्तों, आज की इस वीडियो में वजीफ़ा हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, आपको सिर्फ सुनना है। आप नापाकी में भी सुन सकते हैं, बिना वजू के भी सुनना है, आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो आप उस काम को करते हुए भी इस वजीफ़े को सुन सकते हैं, लेकिन बेहतर हो खाली होकर सुने। दोस्तों, आप अपने हर मकसद के लिए, हर नेक व जायज़ मकसद के लिए, हर नेक व जायज़ हाजत के लिए, हर नेक व जायज़ मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं और ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको आपके हर नेक व जायज़ मकसद में कामयाबी हासिल होगी। आपके वजीफ़ा सिर्फ सुनना है, तो आइए इस वजीफ़े को गौर से सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ्फा सफ्फा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुज़ ज़िक्रा يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मुबारक हो, आप सबका वजीफ़ा हो गया है, आपने वजीफ़े को अच्छे से सुन लिया। तो अगर आपने अच्छे से नहीं सुना, स्किप किया हो, तो वजीफ़े को दोबारा अच्छे से सुन लें, और अगर आपने दोबारा अच्छे से सुन लिया, आपने स्किप नहीं किया, अच्छे से सुना है, तो आइए अब हम लोग दुआ करते हैं। आप लोग आमीन ज़रूर कहिएगा, इस दुआ में ज़रूर शामिल रहिएगा। प्यारी दोस्तों, आप लोग दुआ पूरी होने के बाद कमेंट में भी आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो आइए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सयाकार हैं, मैले कुचले हैं, या रब अपनी गुनाहों पर शर्मिंदा हैं। या रब हमारी इस शर्मिंदगी को कबूल फरमा, हमारी, हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़रत फरमा। मौला हमारी रोज़ी में, रिज़्क में, इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, जो भी औलाद है उन्हें नेक व सालिह औलाद अता फरमा, जो बीमार हाल है उन्हें शिफाए कामिला दाइमा अता फरमा, जो कर्ज़ में डूबे उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें अच्छा सा रोज़गार अता फरमा। मौला जो जिस काम में लगे हुए उनके हर नेक व जायज़ काम में बरकत अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल, हम में से जिसके भी दिल में जो भी नेक व जायज़ हाजत है, जिसकी जो भी नेक व जायज़ मुराद है, जिसकी जो भी नेक व जायज़ आरज़ू है, मौला हम सब की हर नेक व जायज़ आरज़ू को, हर नेक व जायज़ मुराद को पूरा फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल, सबके हर नेक व जायज़ मकसद में कामयाबी अता फरमा। मौला ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारा ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ात नसीब फरमा। हम गुनाहगारों की हर नेक जज़्ब दुआ को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में कबूल मकबूल फरमा। आमीन थुम्मा आमीन बिजाहिन नबियल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जा करके आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़।